कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों बाद और बहुत सालों बाद हम मिल रहे हैं। बहुत साल नहीं, एक साल बाद। अभी मैंने बनाया है, मैंने नहीं, मम्मी ने बनाए हैं आज ब्रेकफास्ट के लिए। अभी मैं ब्रेकफास्ट सर्व कर रही हूँ सैंडी और पापा को, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाय। ये सैंडी मेरे हस्बैंड। हेलो गाइस। और ये अभी जा रहे बाहर वर्क पे। बाय बाय गाइस। आप लोगों को काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे मेरी लाइफ में अभी, क्योंकि अभी मेरी जर्नी चेंज हो गई है। मैं मदर बन चुकी हूँ और एक साल का गैप मेरा इसलिए यूट्यूब पे हो गया क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। ज़्यादा कुछ नहीं कर रही, फिर भी ज़्यादा एग्जर्शन नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह पे काम नहीं किया और रेस्ट किया। अब मेरी डॉटर है उर्वी, जो कि 8 महीने की हो गई है, अभी वो सोई है। थोड़ी देर बाद आपको मैं उससे मिलवाऊँगी। तो यही था, और एक साल की पूरी जर्नी पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या हुआ मेरे साथ और क्या क्या नहीं। तो मिलते हैं उर्वी से थोड़ी देर बाद। शैलजा देवी अपनी ही बेटी पे हुकुम नहीं चला सकती, तो किस हैसियत से दूसरों पे हुकुम चलाएगी? इस दिन वो ऊपर उर्वी के पापा आ गए, दो तीन जगह प्रोग्राम है ना, रामकुनन दमो उर्वी के डैडी। फैन का है बताओ, उर्वी फैन का है? आ गया। चेयर को एंजॉय कर रही है, डिनर कर रही है अभी उर्वी, चेयर पे बैठ के, डाइनिंग चेयर पे। उर्वी यम्मी, अच्छी लगी आपको चेयर? उर्वी अच्छी लगी चेयर? उर्वी 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 को चेयर अच्छी लगी? चेयर की क्वालिटी अच्छी है, बट एक या दो साल तक मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये शैतान अभी इधर उधर हल रही है, डुल रही है, मस्ती कर रही है। तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा दिन इस चेयर पे बैठ के खाना खाने वाली है। और भी लो, उर्वी का जो डाइट चार्ट है मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करने वाली हूँ कि उर्वी ब्रेकफास्ट में क्या खाती है, डिनर में क्या खाती है, लंच में क्या खाती है। मैं उसका पूरा रूटीन आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। हाय बोलो, हाय बोलो। अभी हम लोग जा रहे हैं जामसावली घूमने के लिए, हनुमान जी का मंदिर है जामसावली में, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं अभी घूमने, है ना उरु? घूमी घूमी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अपन? जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं उर्वी? अपन जाम उर्वी चेंज होते थोड़ा सा चले। ये जामसावली का एंट्रेंस है, हम लोग यहाँ आए हैं और बहुत ज़्यादा हवा है, ठंडी ठंडी हवा है। मम्मी यहाँ बैठी है, ऑटो का वेट कर रही है, ऑटो आ रहा है अभी हम लोगों को लेने के लिए। वहाँ अंदर गाड़ी कार अलाउ नहीं है, तो वहाँ जो मंदिर का जो ऑटो रहता है ना, वो आने वाला है अभी हम लोगों को लेने के लिए, तो उसका वेट कर रहे हैं अभी हम लोग। बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये उर्वी मस्ती कर रही है, ओढ़ नहीं रही है। अरे ज़्यादा बाला, चलो पापा मम्मी। ये ऑटो की सवारी स्टार्ट, इसलिए ऑटो सर्विसेज रहती है यहाँ मंदिर के तरफ से। तो हम लोग अभी मंदिर जा रहे हैं और ये मंदिर यहाँ पूरा हनुमान चालीसा से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ना हनुमान चालीसा लिखा हुआ था पूरे रास्ते में मंदिर के मेन गेट से तो मंदिर तक पूरा हनुमान चालीसा लिखा हुआ था।
तो अगर कोई पैदल जाता है मंदिर तो वो हनुमान चालीसा पढ़ कर जा सकता है। और इस साइड दुकानें लगी हुई थी, शॉप्स थी, बच्चों के टॉयज़ वगैरह की, कुछ स्नैक्स वगैरह, इन सब की दुकानें लगी हुई थी। हम लोग ऑटो में थे तो ये नहीं कर पाए, जा नहीं पाए शॉप में। ये स्नैक्स वगैरह की शॉप्स थी इधर। उरू, क्या ले रहे हो आप? थाली लेना है। पूजा की थाली लेना है? पूजा की थाली ले लेंगे अपन। अब थाली ले ली है हम लोगों ने और अब हम लोग जा रहे हैं। हाँ जे जे पापा करने जा रहे अपन। श्री राम, जय श्री राम। ऐसा रास्ता है ऊपर जाने का और इधर से जा रहे हैं हम लोगों को। और भी आ जाओ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। ये उर्वी जा रही है उसके डैडी के साथ। ये कंस्ट्रक्शन चालू है अभी यहाँ पर, अभी पूरा बनने का है, बहुत बड़ा बनने वाला है अभी ये मंदिर। और ये हनुमान जी है और लेते हुए हनुमान जी है, इनका मंदिर है। पंडित जी मुझे वहाँ वीडियो बनाने से अलाउ नहीं कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा ही हम लोग रिटर्न जा रहे हैं अभी। और ये जो लोग मन्नत मांगते हैं वो लोग यहाँ पे ऐसे धागे वगैरह बांधते हैं। इधर से हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से साइड व्यू है हनुमान जी का। जा रही है, बहुत अच्छा प्लेस है। अगर आपको कभी आना है तो सर्च कर सकते हो आप गूगल पे, आपको पूरी लोकेशन इसकी मिल जाएगी। जाम सावली हनुमान मंदिर डालना। 500 लोग से ज़्यादा ही है यहाँ पर जो रुके हैं, यहीं पे इन लोग खाना बनाते हैं और यहीं पे ये लोग रुकते हैं। यही तक था। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और कैमरे के पीछे से सैंडी मुझे हंसा रहे हैं। तो गुड नाइट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।